आदि पुरुष के बाद प्रभास की अगली फिल्म प्रोजेक्ट के का टीजर आ चुका है, पर इसको लेकर स्पेशल ये है कि इस पिक्चर का ये जो टीजर या ग्लिम्स है इसे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज किया गया। एनसी के साथ प्रोजेक्ट के इंडिया की पहली फिल्म बनी जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में गई। और हाँ, फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के नहीं बल्कि कल्कि 2898 एडी है। मैं तो इस मूवी को सिर्फ कल्कि बोलने वाला हूँ। वैसे अभी आदि पुरुष को आए एक महीना भी नहीं हुआ, उसी के सदमे से अभी पूरी तरह से नहीं निकले एंड प्रभास की एक और बिग बजट पिक्चर का टीजर आ गया। पर शुक्र है ऊपर वाले का कि आदि पुरुष से बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी आदि पुरुष और कल्कि में एक सिमिलैरिटी तो है। आदि पुरुष में प्रभास ने लॉर्ड विष्णु के राम अवतार को प्ले किया था और यहाँ वो उनके कल्कि अवतार को प्ले कर रहे हैं। तब तो हम इसको आदि पुरुष का सीक्वल भी बोल सकते हैं। पता नहीं ये कल्कि के रिव्यू में आदि पुरुष क्यों बीच में आ रही है बार बार। खैर, हम अपना फोकस कल्कि पर रखते हैं। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म है 600 करोड़ के बजट के साथ। आदि पुरुष की तरह कल्कि में लीड रोल तो प्रभास का ही है, पर इसके अलावा अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटानी भी हैं इस फिल्म में। 600 करोड़ में से 100-150 करोड़ तो सिर्फ प्रभास के हैं, बाकी अगर सारे एक्टर्स की फीस ऐड कर लें तो कम से कम 200-250 करोड़ तो आराम से होगी। इतने पैसे सिर्फ कास्टिंग में गए। यार, जब बजट 600 करोड़ है तो फिल्म की क्वालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वैसे इस टीजर या ग्लिम्स से पहले एक पोस्टर भी आया था इसका, काफी जेनेरिक सा लगा मुझे वो, एंड उसे कॉपी भी कहा जाने लगा आयरन मैन का। अब कॉपी हो या ना हो, पर ये था बड़ा बेसिक सा। इस लेवल की फिल्म का ऐसा पोस्टर देखकर डर तो लगा था थोड़ा कि कहीं ये सच में आदि पुरुष 2 न बना दें, पर टीजर देखकर थोड़ी राहत मिली। देखो, इस फिल्म की स्टोरी फ्यूचर में होगी, एक डिस्टोपियन फ्यूचर में, मतलब जहां सब कुछ खत्म हो रहा है क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है और काली जो कि विलन होगा वो बहुत बड़ा हरामी है, तभी तो विलन है। तो उसी को निपटाने के लिए कल्कि अवतार को आना पड़ेगा, पर क्योंकि स्टोरी फ्यूचर में है इसलिए लड़ाई भी फ्यूचरिस्टिक वेपन्स, सूट्स, व्हीकल्स इन्हीं सबसे होगी। पर हाँ, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन्होंने फ्यूचर का वर्ल्ड बनाया कैसा है, देखना है मुझे यार। लेकिन हाँ, कल्कि से पहले एक और पिक्चर आएगी जिसमें डिस्टोपियन फ्यूचर का मुंबई दिखाया जाएगा। पता है वो कौन सी फिल्म है? गणपत। और ये सिर्फ 150 करोड़ में बनेगी, तो इसका भी वेट करते हैं, देखते हैं कि कैसा फ्यूचर दिखाएंगे ये, वो भी सिर्फ 150 करोड़ में। तो अब अगर कल्कि के विजुअल्स की बात करें तो पर्सनली वो मुझे सही लगे। और हाँ, इसके विजुअल्स टोटल सीजी नहीं है, हालांकि अगर वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, पर पिक्चर के जो डायरेक्टर है नाग अश्विन, उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को ज्यादा सही समझा, क्योंकि प्रैक्टिकल इफेक्ट से मूवी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, इसलिए इसके सूट्स, वेपन्स, व्हीकल सभी के सभी रियल लाइफ में बनाए गए। और ऑब्वियसली मूवी में उन्हें VFX से और इनहेंस किया जाएगा, और इतनी मेहनत करने का उन्हें रिजल्ट भी मिला। पिक्चर विजुअली अच्छी लग रही है, पर्सनली मुझे इसके विजुअल सही लगे। पर हाँ, बस इसके वो वाइट वाले वेपन्स थोड़े से ऑड लगे, मतलब वो रियल वेपन्स की जगह डमी जैसे ज्यादा फील हो रहे हैं। बट अभी मूवी को रिलीज होने में टाइम काफी ज्यादा है, तो मैं भी बहुत सारा काम अभी पेंडिंग ही पड़ा होगा, लेकिन मूवी की रिलीज तक हो सकता है ये सब ठीक हो जाए। बाकी एक बात तो है, कल्कि के टीजर ने मुझे ड्यून की याद जरूर दिला दी, क्योंकि दोनों में कॉस्ट्यूम्स भी सिमिलर ही हैं, दोनों फ्यूचरिस्टिक हैं, प्लस दोनों में ही डिजर्ट दिखाया गया, तो शायद इसी वजह से ड्यून की याद आ गई। वैसे इसके पोस्टर्स भी शुरू से ही काफी ज्यादा ड्यून वाली वाइब दे रहे थे। ओवरऑल कल्कि का टीजर मुझे पसंद आया, और जो सीन्स थोड़े से अजीब लगे वो भी शायद रिलीज तक सही हो जाएं, क्योंकि टाइम काफी है अभी। खैर, मुझे तो इसके विजुअल सही लगे क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी यूज हुआ है, और इसीलिए कम से कम इससे हम एक उम्मीद तो लगा सकते हैं कि रिलीज तक ये और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन जिस फिल्म का टीजर ही बेकार हो और ट्रेलर भी, जैसे कि ऑब्वियसली आदि पुरुष, तो उससे उम्मीद करते भी कैसे। एंड कल्कि के मेकर्स ने आदि पुरुष का हाल तो देख ही लिया होगा कि बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ उसका, इसलिए वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहेंगे। अगर विजुअल्स अच्छे नहीं हुए तो उन्हीं का नुकसान होगा। यार, इतना तगड़ा बजट लगा रहे हो तो ऑडियंस तो अच्छे विजुअल्स एक्सपेक्ट करेगी ही ना। लेकिन फिर भी कल्कि के विजुअल्स मुझे सही लगे, और प्रभास की भी फिल्में चल नहीं रही बाहुबली के बाद से, तो शायद ये चल जाए। कल्कि के अलावा प्रभास की सलार भी आ रही है जिसका टीजर भी आया था, तो उसके हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और उसके KGF यूनिवर्स में भी होने के रिपोर्ट्स हैं। अच्छे से जानना है तो देख लेना वीडियो सामने क्लिक करके, बाकी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। बाय।